अच्छा भाई, इसमें ना सेल्स में आएंगे आप, सेल्स में ऑर्डर, ऑर्डर में इस जगह पर सारे ऑर्डर जो भी नए ऐड होते हैं ना इसमें आते हैं, इसमें प्रोसेस वगैरह सारा उसका होगा। ऑर्डर आप एक करके देख लीजिएगा, इसमें सारी शिपिंग डिटेल हर चीज़ इसमें ना आ जाती है। मतलब ऑर्डर करता है कोई भी बंदा तो उसको जो मेल वगैरह जो भी आती है ना, अभी एक मैं फर्जी तौर पर करके इसमें आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक मेल भी आ जाएगी। बट रजिस्टर में कर सकता है वो, अगर रजिस्टर अकाउंट है तो वो भी मेल ईमेल आ जाएगी क्लाइंट को, अगर नहीं है तो फिर अगर रजिस्टर से भी कर सकते हैं इसको। फ्लैट शिपिंग रेट्स जो पीछे से इधर से आ जाएंगे, उसके बाद ये कैश ऑन डिलीवरी जस्ट टाइम ट्रांजेक्शन, ये ऑर्डर हमने प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर अभी मैं प्लेस कर रहा हूँ, ये ऑर्डर आ गया हमारा, वो अभी हम इसमें आएंगे ना तो इधर से हमारे पास जो हो जाएगा ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम व्यू कर सकते हैं, इसमें कस्टमर के प्रोसेस वगैरह ये चीज़ें आ जाएगी, कौन सा बंदा है, किसने दिया, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ इधर आ जाएगी। इधर से इनवाइस जनरेट हो जाएगी, जनरेट करेंगे इनवाइस जनरेट हो जाएगी। अगर व्यू करना प्रिंट व्यू पर जाना चाहते हैं तो ये प्रिंट व्यू आ जाएगा इसका जो भी होगा। उसके बाद आ जाएंगे आपके स्टे पेंडिंग स्टेटस, इसमें जो भी आप स्टेटस अब कैंसिल अप्रूवल या जो भी आप करेंगे ना तो ऐड हिस्ट्री करेंगे ना तो वो सामने शो हो जाएगा उसको, और जो इसमें ऐड किया होगा उसको भी, मतलब कस्टमर जो रिलाई कर रहा है उसमें भी शो हो जाएगा ये स्टेटस चेंज हो गया इसका। ये हमारा कस्टमर स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये ऑर्डर किया है, इसमें एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। अगर एडिट करना हो उसकी डिटेल वगैरह तो इसमें जा के ना एडिट फर्दर आप चेंज कर सकते हैं, इधर से जा के ना कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी होगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो ड्रेस वगैरह चेंज करना चाहता है, शिपिंग डिटेल वगैरह, तो इसमें आप उसमें इसको फर्दर आप डिटेल अपडेट कर सकते हैं, क्लाइंट खुद भी कर सकते हैं एडमिन में जा कर, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं है तो इसमें आ करेगा उसके। ये सारे इधर आ जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी जो भी है सेव हो जाएगा इधर, ऑर्डर आ जाएगा। इसमें आपके गिफ्ट वाउचर बनाने हैं यानी प्रमोशंस वगैरह के लिए होते हैं, इसमें शो हो सकते हैं। अगर कस्टमर है, कस्टमर इधर से मैनेज होते हैं, अगर कोई भी रजिस्टर्ड लॉग इन होता है तो इसमें आ जाता है, यानी रजिस्टर्ड अकाउंट कोई करता है तो इधर शो हो जाएगा, उसकी डिटेल आपके पास शो हो जाएगी। एक ईमेल आईडी उसको कस्टमर को चला जाएगा और एक एडमिन को चला जाएगा, ऑर्डर का भी सेम यही प्रोसेस है। इसके बाद आ जाता है करेंसीज, अगर आपने करेंसीज ऐड करनी है इसमें, इससे ज़्यादा ऐड करनी है तो आप इधर से आके ना चेंज कर सकते हैं करेंसीज, और ऐड करेंगे ना तो एडिट करेंगे, या चेंज करना हो तो इधर से आप सिंबल वगैरह या इसकी क्वान्टिटी रेट वगैरह चेंज करना हो सकते हैं, इनेबल कर दीजिए। अगर मजीद ऐड करनी हो तो ऐड न्यू के साथ इधर से प्रोसेस वही सेम प्रोसेस इधर शो हो जाएगा। ये चीज़ें इसमें, और टूल्स वगैरह में भी कुछ नहीं है, सेटिंग्स ईमेल वगैरह मैंने कर दी हुई है, बस यही चीज़ें। एक सेल्स और ऑर्डर का यही डिज़ाइन है आपके पास जो आप कह रहे थे।